हेलो जी, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज ये जो टॉपिक है 9th क्लास का है, और आज हम समझने वाले हैं कि सेल वॉल क्या होता है। छोटे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि सेल वॉल क्या होता है। आइए सेल वॉल के बारे में हम जिक्र करते हैं। समझ में आया ना? तो अगर मैं सेल वॉल की बात करूंगा तो आपको याद रखना होगा कि जो सेल वॉल होता है ये प्लांट में सिर्फ पाया जाता है, एनिमल में इसका जिक्र नहीं करा जाता है। मतलब हमने ये सीखा कि जब भी पौधे जो होते हैं ना उन्हीं में सेल वॉल पाया जाता है, सॉरी कभी भी एनिमल में नहीं पाया जाता है। पहली पॉइंट ये रही। दूसरी बात कि जो सेल वॉल होता है ये आउटर बाउंड्री होता है। क्या होता है? आउटर बाउंड्री होता है आप प्लांट सेल। आउटर बाउंड्री या प्लांट सेल कौन होता है तो उसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल। तो आउटर बाउंड्री प्लांट सेल का कौन है? सेल वॉल। जैसे मैंने कहा मान लीजिए ये सेल है, तो इस अगर ये प्लांट सेल है, मैंने कहा अगर ये मान लीजिए प्लांट सेल है, क्या है? प्लांट सेल है। तो ये जो प्लांट सेल है इसकी आउटर बाउंड्री क्या है बताइए? ये होती है आपकी सेल वॉल। होगा क्या? होगा सेल वॉल। समझ में आया? ये क्या होगा? आपका सेल वॉल होगा। तीसरा बात, जो आपकी ये सेल वॉल होती है, क्या सेल वॉल? ये सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, ठीक। और सेलुलोज किससे बना होता है? ये बना होता है माइक्रोफाइब्रिल। किससे बना होता है? माइक्रोफाइब्रिल। और क्या होता है इसके बीच में? माइक्रोफाइब्रिल होता है। क्या होता है? माइक्रोफाइब्रिल होता है, ठीक है ना। माइक्रोफाइब्रिल और माइक्रोफाइब्रिल से बना होता है सेलुलोज। इसका मतलब ऐसे मान लीजिए सेलुलोज है तो इसका ऊपर वाला माइक्रोफाइब्रिल और माइक्रोफाइब्रिल इसके बीच में कुछ भरा होता है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं हम? हेमी सेलुलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी मैं आ गया होगा आपको। तो ये हमारा सेल वॉल था। अब दूसरी बात, आप 9th क्लास में हैं तो आपको सेल वॉल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। अगर आप नीट के एस्पिरेंट होते तो आपको हम सेल वॉल इससे जास्ते बताते। तो चलिए अब इसके हम आगे चलते हैं। तो हम बोलेंगे अगर दो सेल वॉल, अगर दो सेल वॉल एक दूसरे से जुड़ती है तो किसके द्वारा जुड़ती है? मिडिल लैमेला के द्वारा। किसके द्वारा? मिडिल लैमेला के द्वारा। मिडिल लैमेला के द्वारा। समझ में आ रहा? तो बोल सकते हैं मिडिल लैमेला क्या है कि टू एडजेसेंट सेल वॉल ज्वाइंट टुगेदर बाय मिडिल लैमेला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टू एडजेसेंट सेल वॉल ज्वाइंट बाय ज्वाइंट। तो मिडिल लैमेला क्या करता है? दो एडजेसेंट, एक प्लांट सेल ये है, एक प्लांट सेल ये है, तो दोनों के बीच में तो सेल वॉल होगा ना। जब सेल वॉल होगा तो एक दूसरे ज्वाइंट होंगे ना, तो उसे क्या बोलेंगे? मिडिल लैमेला बोलते हैं। तीसरी बात, जो आपका मिडिल लैमेला होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। इसे कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। ये किससे बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। कौन? मिडिल लैमेला। क्या करता है? दो एडजेसेंट सेल वॉल को जोड़ता है, ठीक है। अब ये प्लांट सेल से इस प्लांट सेल को तो जोड़ दिया गया, लेकिन इसका मटेरियल इसमें जाएगा ना। जब जाएगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार है कौन आपका? इसमें देखिए आपको ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां से आने जाने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लाज्मो डेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मो डेस्माटा। तो प्लाज्मो डेस्माटा क्या है? प्लाज्मो डेस्माटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो दो एडजेसेंट प्लांट सेल को जोड़ता है। क्या करता है? टू एडजेसेंट प्लांट सेल आर ज्वाइंट बाय स्ट्रक्चर दैट नोन एज प्लाज्मो डेस्माटा, ठीक है ना। तो प्लाज्मो डेस्माटा क्या करता है? ज्वाइंट टू एडजेसेंट सेल, ज्वाइंट टू एडजेसेंट प्लांट सेल। तो आपसे पूछेगा ये बताइए दो एडजेसेंट मतलब आमने सामने एक प्लांट सेल को जोड़ने वाला जो ट्यूब है ये क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाता है। कौन? प्लाज्मो डेस्माटा। और मिडिल तो बोलेंगे दो सेल वॉल को जोड़ने वाला मिडिल लैमेला, दो प्लांट सेल को जोड़ने वाला प्लाज्मो डेस्माटा, ठीक है ना। क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। कौन कौन कौन? प्लाज्मो डेस्माटा। सेल मिडिल लैमेला जो होता है सेल वॉल को सिर्फ जोड़ने का काम करता है, लेकिन जो आपका प्लाज्मो डेस्माटा होता है ये क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने की कोशिश करता है।
आइए और समझते हैं। हम कह सकते हैं कि जो कोई भी प्लांट सेल होता है उसके आउटर की बाउंड्री को, आउटर की लेयर को सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, और सेलुलोज के अंदर होते हैं मैक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफाइब्रिल। ये मैक्रोफाइब्रिल है, ये माइक्रोफाइब्रिल है, इसके बीच में क्या हो रहा होता है, हेमी सेलुलोज होता है। क्या होता है इसमें, हेमी सेलुलोज होता है, ठीक है ना, छोटी सी बात है। अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल का मतलब क्या होता है, अगर सेल वॉल का फंक्शन करेंगे तो हमें पता है प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री होता है तो इसका बहुत सारे काम होते हैं। ये पहला तो क्या करता है, शेप देता है, मतलब कि जो आपका प्लांट सेल है उसको अगर शेप देगा तो कौन देगा, सेल वॉल देगा। दूसरी, ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी एंट्री को यह क्या करता है, प्रिवेंट करता है ताकि वो सेल वॉल के अंदर ना घुस पाए। तीसरा, एक्ट एज इज़गो इज़जो स्केलेटन ऑफ द सेल, सेल का इज़जो स्केलेटन, प्लांट सेल का इज़जो स्केलेटन की तरह अगर कोई काम करता है तो उसका नाम क्या होता है, सेल वॉल होता है। समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो इज़जो स्केलेटन की तरह काम करने वाला जो शख्स है प्लांट सेल में उसका नाम क्या है, इज़जो स्केलेटन है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर आपको 9th क्लास में कोई टॉपिक ऐसी है जो समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में करें और आप बताएं कि सर मुझे टॉपिक समझ में नहीं आई है, और उसके लिए मैं आपको वीडियो इतने अच्छे में बनाऊंगा कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपको पढ़ाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ठीक है ना। थैंक यू।